वो माँ मैनावंती जबरदस्ती से उस राजा गोपीचंद को जोग दिवा देती है। जोग दिवा के घर पे आई और जैसे ही महल में आई, 16 रानियां ने दो हथड़ मारी छाती में, अकड़े छोड़ गई है। तने इतना भी ध्यान नहीं कि तेरे एक ही लाल है और ये सारा राज पार्टी, तेरे घर में 16-16 बहू 12-12 छोटी-छोटी है कन्या, ये क्यों कर रहे हैं? माँ मैनावंती ने महल के चौगरदे ने लगा के देखा, बेटे बिना कुछ नहीं दिखा, चौगरदे ने चारों कोना कोना में अंधेरा दिखा। और जब बहुआ ने रोआ राट मचा, माँ मैनावंती वापिस चल देती है गुरु जलंधर नाथ के डेरे पे। वहां गई महाराजिया ने देखा कि माई के बात है, क्यों आई? ने बोली, महाराज जी मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी। कि क्या हो गया? अगर मेरे तो बहुत घनी बड़ी गलती होगी जो अपने बेटे गोपीचंद था मैंने जोग दिवा दिया और मेरा बेटा मैंने उल्टा दे दिया। गुरु जलंधर दो रहे बात पहुंची, गुरु जलंधर नाथ ले गया, अगर जुड़ से रात आई है ना उससे रात अपने घर न उल्टी चली जा, कौन बेटा किसका बेटा है, भी वो तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा था जब तेरे धोरे रहा, खूब नगरी का राज भी करा, ये भी वो तेरा बेटा नहीं। माँ मैनावंती वही धूने पे अपने गोडे डाल देती है, कहने लगी महाराज मर जाएंगी, तेरे धूने में अपनी जान दे दूंगी, लेके जाऊंगी अपने बेटे ने, तने नहीं बेरा के भी त्री मेरे ऊपर लड़न लगी। महाराज जी ने भी कहा किसी दी अपने घर न ले, अरे कोई तेरा बेटा बैठा नहीं। रानी मैनावंती रोती हुई क्या कहती है बोला गुरु जलंधर नाथ से, बोली ओ बेटे बिने माता के मन में हो यो हो से घोरे अंधे दियो कित लाल लखोलिया मेरा हो मेरा बेटे बिल माता के मन में यो से घोर अंधेरा, अरे पापा जी मने दिखा दियो कित लाल लखोलिया बेटा गोपीचंद था जो नुके है तू के धारा नगरी का राज करेगा मेरा बेटा, नुके जितने दिन राज करना था कर लिया, यही वो जोगी है और तू अकेली उसकी माई नहीं, संसार की जितनी भी औरतें हैं सब उसकी माँ बहन है। नुके दिया कि महाराज मैं अपने बेटे ने कोई जोग दिवाना ना चाहती, आई हूं तो लेके जाऊंगी के कह लगी। गोपीचंद ने जोग दिवाना ना चाहती, अपनी आंखा के तारे ने अलग हटाना ना चाहती, टक्कर मार मरू धूने में मैं जिंदा जाना ना चाहती, टक्कर मार मरू धूने में जिंदा जाना ना चाहती, टक्कर मार मरू धूने में जिंदा जाना ना चाहती। ओ पापा जी थारे दोष लगेगा, रे पापा जी थारे दोष लगेगा, तू कुआ जेरा बाबा जी मन दिखा दियो कित लाल लगाया मेरा, ओ
समय गुरु जलेंद्र नाथ ने कहा माई क्यों तो तू अपना टाइम खराब कर रही है और क्यों तुम्हारा टाइम खराब कर रही है, इब गोपी जन तेरे काम का नहीं रहा। तो बोली बावले होलिए महाराज बोली लाखा मन करोड़ा मैं अरबा घर पा मैं एक बेटा है, इसे इसे बेटे लू की तरह पड़े ना पाते तले के बेरा कि माँ अपनी औलाद ने 9 महीने तक पेट में क्यों कर रखा है, किसे किसे दुख सब है और क्यों कर दे जाऊं तने केला केला जुला बेटे के रूखा के लागे पावे से नगरी भी सुनसान हुई मने महल ले आवे से, नगरी भी सुनसान हुई मने बोली मेल में गई महाराज मेरी छोटी छोटी बालक जो मेरी 12 पोती जानते हैं मेरे लिपट के रोल लागी और चोकर देने देखे कि बाप ने कड़े छोड़े और मेरी 16 बहू जो मिर्गा जैसी डार मेल में न्यूनते न्यून अंडा जाती है दो अथड़ मारी अग जीते जी रांड करके बिठा दी के फायदा का डके लुटे की जोग दिमाग ने के बता दिया लगती है। अगर ठीक है माई नहीं मानती तो अपने गोपी चंद नहीं बूझ ले वो तेरी गेला जागा के नहीं जागा। माँ मैना मानती ने जब गुरु गोरखनाथ ने गुरु जलंधर नाथ जिया ने वो गोपी चंद बुलाया दोनों कान काचे दोनों अमत लहू टपके और आके माता जी को प्रणाम किया कि माई राम राम। ये बोली बेटा उल्टा करने चल कि माँ तू चावे के है न्यू बता तने राजपाट छुटवा दिया जोग दिवा दिया अरे बियाड़े ते भी खोना आगी न्यू कहने लगी बेटा छोड़ के ना जा लेके जाएंगे महाराज के फेर पाया मैं पड़गी बाबा घना नहीं तो 12 से गोपी चंद ने एक बे मेरी गेला गाल दे फिर 12 के बाद में गोपी चंद थारा थारे राम का
के कह लगी चौथी बात में करियो जी तुम मेरी बातों का ख्याल। गोपी चंद ने बाबा जी मैं मांग रही कुल